से ज्यादा कटिंग ऑफिसर ऑप्शन पर क्लिक करें जरूरी है। स्टूडेंट हमारे टॉपिक चल रहा था डीसी जनरेटर, इसी अंतर्गत आज हम देखेंगे आर्मेचर रिएक्शन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आर्मेचर रिएक्शन आखिर होता क्या है। आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है? आर्मेचर प्रतिक्रिया जब फील्ड वाइंडिंग में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो फील्ड वाइंडिंग जो है मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न करता है। ओके, अब जब जनरेटर में हम लोड को कनेक्ट करते हैं, लोड को कनेक्ट करने के बाद क्या होता है, जो आर्मेचर वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग जो है उसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। और आर्मेचर वाइंडिंग में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो आर्मेचर वाइंडिंग यानी आर्मेचर कॉइल में भी फ्लक्स जनरेट होने लगता है और वह अपना विद्युत चुंबक यानी विद्युत क्षेत्र को बना लेता है। अब इसके कारण होता क्या है, जो हमारा फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग का जो फ्लक्स है यानी चुंबक है वो तो स्थिर रहता है, उसको स्थिर बनाया जाता है, लेकिन आर्मेचर वाइंडिंग में जो चुंबक बनता है यानी विद्युत फ्लक्स उसमें पैदा होता है, तो इसमें जब विद्युत फ्लक्स पैदा होता है चुंबकीय फ्लक्स वो क्या करता है, हमारा जो मेन पोल है, मेन फ्लक्स है उसको डिस्टर्ब करता है। उसमें जो प्रतिक्रिया होती है इसके कारण इसका जो क्या होता है, मेन फ्लक्स जो है कमजोर हो जाता है, उसके कारण जो आउटपुट हमें मिलना चाहिए और टर्मिनल वोल्टेज के आउटपुट हमें नहीं मिल पाता। ये हो गया आपका आर्मेचर प्रतिक्रिया। इसको हम एक सीधे लाइन में बोल सकते हैं कि आर्मेचर वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न फ्लक्स, आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न फ्लक्स द्वारा मुख्य फ्लक्स पे डाला गया प्रभाव ही आर्मेचर प्रतिक्रिया कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आर्मेचर प्रतिक्रिया जो है दो प्रकार का होता है, इसे हम बोलते हैं प्रतिचुंबकीय प्रभाव और दूसरा है विचुंबकन प्रभाव। सबसे पहले देखते हैं प्रतिचुंबकीय प्रभाव। इस प्रभाव में क्या होता है, स्टार्टिंग में जब आर्मेचर में यानी कि लोड में कम धारा प्रवाहित होती है, जब कम लोड रहता है तो कम धारा प्रवाहित होती है, उस कंडीशन में क्या होता है प्रतिचुंबकीय प्रभाव। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये यहाँ पे N और S दो पोल हमने यहाँ पे दिया है, ये फील्ड है और ये बीच वाला आपका आर्मेचर है। ओके, अब आर्मेचर में देख सकते हैं कि ये दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है, एक S पोल की तरफ और एक N पोल की तरफ। नॉर्मल कंडीशन में हम इसको बोल सकते हैं जी एन ए यानी कि ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। यह एक्सिस यानी कि यह अक्ष ऐसा है कि किसी भी मशीन को अगर हम स्थिर रखें तो उसका एक सीधा पार्ट होगा और दो भागों में विभक्त हो जाएगा। अगर यह गोला है, इस गोले को दो भाग में मारना है तो मैं उसे यहां से रखने खींचूंगा दो भाग बढ़ जाएगा, तो इसे बोलते हैं ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। ये तो फिक्स रहता है, अगर इस कोण को हम दो भाग में बांटे, इससे आर्मेचर वाइंडिंग दो भाग में बांटे तो एक एन की तरफ और एक एस की तरफ, ये दो भाग में विभक्त हो जाता है। तो इसमें जो वाइंडिंग है ये दो भाग में विभक्त होने के बाद इसमें जो धारा का प्रभाव है यानी इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी जब हम लोड कराएंगे तो इस प्रकार का होगा। देखिए जो क्रॉस साइन आप देख रहे हैं, एक तरफ क्रॉस है एक तरफ डॉट, जहां पे क्रॉस है वहां पे विद्युत धारा अंदर की ओर जा रही है। ओके, जहां पे क्रॉस है वहां पे विद्युत धारा अंदर जा रही है और जहां पे डॉट है वहां पे विद्युत धारा बाहर की ओर आ रही है, यानी इसमें दो अलग अलग डायरेक्शन है विद्युत धारा प्रवाहित होने की, अंदर क्रॉस है तो अंदर और डॉट है तो बाहर। ओके, तो एस पोल है उसके सापेक्ष यानी उसके समीप वाला जो कॉइल है उसमें धारा जो है अंदर की ओर जा रही है, और एन वाला जो पोल है यानी उत्तरी ध्रुव है उसके समीप वाला जो कॉइल है उसमें धारा बाहर की ओर जा रही है। तो अगर हम
जो हमारा ब्रश है, ब्रश का जो कंटेंट आएगा हम उसको इस डायरेक्शन में रखेंगे यहाँ पे, तो ये होगा आपका ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस के अक्ष पे। ओके, इस डायरेक्शन में क्या होगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स नॉर्मल कंडीशन में एन से एस की ओर प्रवाहित होती है, यानी कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर प्रवाहित होती है। ये आप देख सकते हैं, ये सिंपल सा डायग्राम है जिसमें अभी कोई डिस्टॉर्शन नहीं हो रहा है, मतलब हमारा जो आर्मेचर है मान के चलते हैं इसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है और न ही इसमें कोई विद्युत फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस और MNA यानी मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस और ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस ये दोनों एक ही जगह पे होंगे। तो हमारा जो ब्रश का कनेक्शन है वो यहाँ पे होगा और इसमें जो पोल बनेंगे वो दो, एक एस की तरफ और एक एन की तरफ यहाँ पे बनेगा। इस कंडीशन में यहाँ कोई प्रभाव नहीं डालेगा, आर्मेचर जो वाइंडिंग है वो कोई प्रभाव नहीं डालेगा क्योंकि लोड हमारा यहाँ पे न के बराबर है, लोड में कोई धारा प्रवाही की वजह से आर्मेचर में कोई धारा प्रवाही नहीं होगी। नेक्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं, जब इसमें कम मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो जो आर्मेचर कॉइल है, किसी भी कॉइल में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें एक मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है। तो वही कंडीशन यहाँ पे होगा, जब लोड लगेगा और लोड में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी तो उस लोड उस करंट के कारण क्या होगा, इस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो जाएगा। तो उसको मैं अगर ड्रॉ करूँ तो वो एक दो पार्ट में बढ़ जाएगा, यहाँ से यहाँ इस प्रकार का और ये तो आर्मेचर वाइंडिंग जो है यहाँ पे भी विद्युत फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है, लोड में करंट फ्लो होने लगता है और यहाँ पे जो विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा आपका, यानी कि जो पोल बनेगा वो यहाँ पे एन एन पोल जो है उसके अपोजिट बनेगा, यानी एन है तो यहाँ पे एस बनेगा और यहाँ पे एस है वहां पे एन बनेगा, यानी कि आर्मेचर में जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा जो आर्मेचर है इसमें ये पार्ट जो है ये आपका एस बनेगा और ये पार्ट जो है एन बनेगा। इसके कारण क्या होता है, ये हम पार्ट डायग्राम में देखते हैं, जब इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स बन गया है तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करता है, जो हमारा मुख्य मैग्नेटिक फ्लक्स है मतलब मेन हमारा जो पोल फ्लक्स है उसको क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। जाहिर सी बात है यहाँ पे जो मेन फ्लक्स है सीधे सीधे जा रहे हैं, अब यहाँ पे इसके विपरीत एक दूसरा फ्लक्स यहाँ पे जब होगा तो ये क्या होगा, ये फ्लक्स जो है इसका यानी कि डिस्टॉर्शन आ जाएगा इसे, यानी कि आगे निकल जाएगा और कह सकते हैं कि ये ऊपर या नीचे इस प्रकार से ये सीधा जा करके तिरछा हो जाएगा। इसका रीजन में क्या होगा, इस डायग्राम में देखते हैं जो हमारा ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस है वो तो चल जाता है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, उसको तो मान के चलते हैं। ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस जो है वो बीचों बीच होता है, ये जो आर्मेचर है इसको दो भाग में बांट देंगे, एक एन ध्रुव दिख रहा है दूसरा एस ध्रुव दिख रहा है। ओके, अब जब इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो चुका है आर्मेचर में तो क्या होगा, ये जो है मुख्य फ्लक्स यहां पे मान के चलते हैं ये जो है मुख्य फ्लक्स, अब इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ है इसके कारण क्या हो रहा है, ये मुख्य फ्लक्स है इसको विक्षेपित कर दिया जाता है, यानी कि उसमें डिस्टॉर्शन ला रहा है, ये सीधे ना जा करके मुड़ जाते हैं क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है वो इस टाइप का, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, जो आर्मेचर द्वारा मूव कर रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ये इस प्रकार से हो जाएगा सीधा ना जा करके पीछे जाएंगे और इसी प्रकार से यहां से जो प्लस आ रहा है वो इस प्रकार का
इसका एडिशन होगा क्या, ये वाला जो फाइल है ये आप देखिए, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस जो था, जो ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस था वो यहाँ पे है, लेकिन हमारा जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है, क्योंकि ये मैग्नेट जो आपका प्लस है, प्लस को चिन्हित कर दिया और ये आगे खिसका दिया। अब आगे खिसकाने के कारण क्या होता है, इसका जो ज्योमेट्रिकल मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस जो है वो आगे खिसक जाता है, कुछ अंश यानी कुछ कोण में ये आगे खिसक जाता है, जैसे कि हम आप देख रहे हैं ये थीटा कोण, थीटा कोण। और इसमें आगे खिसकने के कारण क्या होता है, ये वाला जो कंडक्टर है अब ये किसमें आएगा, ये क्रॉस में था लेकिन अब ये आ गया है डॉट में, क्योंकि ये मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे है और ये वाला जो डॉट था ये आपका चले जाएगा क्रॉस में, यहाँ पे हमारा प्लस था। इसके कारण क्या होगा, आर्मेचर में बहुत ज्यादा स्पार्किंग है, क्योंकि जो क्रॉस था वो डॉट में चले गया, जो डॉट था वो क्रॉस में। इसके लिए क्या करते हैं, जो ब्रश है हमारा, ब्रश का जो एक्सिस है उसको थोड़ा सा घुमा करके इसको यहाँ मिला देते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, मतलब मैग्नेटिक के सापेक्ष हमारा जो मैग्नेटिक है वो कहाँ से दो भागों में बढ़ रहा है, वही पे हमारा प्रश्न रहेगा, तब जाके उसमें इस बात की कम होगा, इसीलिए ब्रश को यहाँ खिसकाया जाता है और उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। ओके स्टूडेंट, अब यहां पर हम देख लेते हैं वेक्टर डायग्राम की अगर साझा समझ को समझे, इसका वेक्टर डायग्राम को किस प्रकार का बनेगा, देखिए यहाँ पे क्या जी एन ए यानी ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस आपका ये है, अगर इसी कंडीशन में हमारा मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस आएगा उस कंडीशन में क्या होगा, एच जो है हमारा मेन जो फ्लक्स है आपका फील्ड पोल है उसके सापेक्ष चलेगा, ये मेन पोल जो है ये आर्मेचर है, आर्मेचर में जो पोल जनरेट हुआ है उसका है। तो अगर ये हमारे मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस अगर यहाँ पे है तो कहाँ से बनेगा, जो मेन प्लस है क्योंकि उसमें कुछ नहीं हो रहा है, कोई डिस्टॉर्शन नहीं आ रहा है, वो बनेगा आपका यहाँ पे मेन प्लस है, सीधे सीधे जाएगा। लेकिन आर्मेचर रिएक्शन के कारण यानी आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण क्या होता है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस कुछ फाइव पोल ये खिसक गया है, इसके कारण क्या होगा, जो मेन प्लस है आपका यह मेन प्लस ये फील्ड पोल और आर्मेचर आर्मेचर जो पोल है उन दोनों का रिजल्टेंट, उन दोनों का परिणामी फ्लक्स यहाँ पे बनेगा। इसमें हमेशा आपको याद रखना है जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है वो मुक्त फ्लक्स के 90 डिग्री पे रहता है, ये यहां से देख सकते हैं, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है और ये मुक्त फ्लक्स है, तो ये हमेशा 90 डिग्री के कोण पे रहेगा। अगर यहाँ पे रहता तो यहाँ से ये 90 डिग्री मुक्त फ्लक्स था, अगर ये नहीं रहता है लेकिन अब ये आगे इधर की संख्या है तो इसको 90 डिग्री पे हमें रखना है, और ये मुक्त फ्लक्स इन दोनों का परिणामी फ्लक्स। तो ये हो गया आपका प्रति चुंबकीय प्रभाव। इसमें आपको याद रखना है प्रति चुंबकीय प्रभाव जो है
होता है जब आर्मेचर में आपका कम मात्रा में करंट फ्लो हो रहा है। अब अगर बात करें बी चुंबकन प्रभाव, बी चुंबकन प्रभाव, बी चुंबकन प्रभाव में क्या होता है जब लोड धारा का मान जो बहुत से अधिक बढ़ जाता है उस कंडीशन में क्या होता है बी चुंबकन प्रभाव वहां पे होने लगता है। बी चुंबकन प्रभाव कहने का मतलब यह है कि अभी हमने देखा था कि सर्दी चुंबकी में ये जो फ्लक्स है कुछ इस प्रकार से मुड़ जाता है, आगे की ओर खिसक जाता है, लेकिन बी चुंबकन प्रभाव में क्या होता है ये जो फ्लक्स है आर्मेचर में जो जनरेट हो रहा है आर्मेचर पुल बना रहा है, इसके कारण क्या होता है ये मेन पुल है इसकी क्षमता को कम कर देता है, इसलिए इसकी जो फ्लक्स का मान है वो बहुत ही कम हो जाता है। ये होता है अपना ओवरलोड का कब होता है जब लोड द्वारा अधिक होता है, लोड द्वारा बहुत अधिक इसमें क्या होता है दो चीज आपको याद रखनी है, इसमें लोड द्वारा आपका आर्मेचर रिएक्शन। इस टॉपिक से अगर आप कोई भी डाउट हो